गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया कि रिस्पिरेशन क्या है और एनरोबिक रिस्पिरेशन क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर रिस्पिरेशन, जिसमें ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट है। ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रिस्पिरेशन का फर्स्ट पार्ट है और एनरोबिक रिस्पिरेशन में आता है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको एनएरोबिक होता है और ये हमेशा शेल के अंदर साइटोसॉल में होता है। कुछ सामान्य जानकारियाँ हम लोगों को होनी चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस एनएरोबिक प्रोसेस है और ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, इसको कॉमन पाथवे कहते हैं। ये चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, दोनों में होता है और ये साइटोसॉल में होता है। कहीं कहीं साइटोप्लाज्म में भी लिखा है, साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में आप लोग अंतर जानते हैं कि साइटोप्लाज्म का मतलब है कि साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल को मिलाकर साइटोप्लाज्म होता है, जब सेल ऑर्गेनेल को अलग कर दीजिए तो साइटोसॉल होता है। इस मैट्रिक्स ऑफ द सेल, ग्लाइकोलिसिस मैट्रिक्स में होता है, जिसको साइटोसॉल कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बारे में स्टडी करने से पहले कुछ फैक्ट चीजें हम लोगों को जानकारी हो जाए तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ने में आसानी होगी। ग्लाइकोलिसिस देखें, ग्लाइकोलिसिस मींस दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्लाइको और लिसिस। ग्लाइको मींस होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ग्लाइको मींस ग्लूकोज और लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में क्या पढ़ा कि ग्लूकोज जब ब्रेक होता है और यानी ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो पाइरूविक एसिड बनती है। इस प्रोसेस को, पूरे के पूरे प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जो कि साइटोसॉल में होता है और सेलुलर रिस्पिरेशन का फर्स्ट पार्ट है। ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लूकोज टूटता है, कई स्टेप में टूटता है, करीब करीब 10 स्टेप होते हैं इसमें ग्लाइकोलिसिस पे, 10 स्टेप हो जाते हैं। 10 स्टेप में जब टूटेगा तो पाइरूविक एसिड बनेगी और उस पूरे प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज का टूटना इज ग्लाइकोलिसिस, नंबर वन। नंबर टू फैक्ट में, पहला, दूसरा ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, दूसरा ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होता है। साइटोसॉल में होता है ग्लूकोज, क्लियर हो गई बात। दूसरा ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो ब्रेकडाउन होता है, वो पार्शियल होता है, कंप्लीट नहीं होता है। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज पूरा नहीं टूटता, पार्शियल टूटता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, यानी ऑक्सीडेशन इसका होता है ग्लूकोज का, पार्शियल होता, कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं और पाइरूविक जब बनता है तो उसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं, क्योंकि CO2 भी नहीं निकलती इससे, तो पार्शियल इसका ब्रेकडाउन होता है। ध्यान रखने की जरूरत है कि ग्लूकोज का ऑलवेज पार्शियल या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। चौथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉमन प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन प्रोसेस मींस क्या है कि एरोबिक एनएरोबिक दोनों में होगा। ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस तक होना है सब में। पाइरूविक एसिड के बाद टर्निंग पॉइंट आता है, जिसको फोर्क कहते हैं। पाइरूविक एसिड में अगर ऑक्सीजन मिलता है तो ये एरोबिक रिस्पिरेशन में जाएगा, जिसमें क्रेस्टफाइबल होगी, और ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक में जाएगा,
यानी एल्कोहल या तो बनेगा या तो लैक्टिक एसिड बनेगी। ये पायरुविक एसिड जो है इसकी टर्निंग पॉइंट होती है, यहीं से टर्न होगा, आइदर इज गो टू एरोबिक और इज गो टू द एन एरोबिक। अगर एन एरोबिक में जाएगा तो यही लास्ट है, यही जो एनर्जी दो 2 ATP मिल जाती है यही सफिशियंट है, इसमें अपने प्लांट को एनिमल को काम चलाना पड़ता है, लैक्टिक एसिड बनती है या एथेनॉल बनता है, दो साइड हो जाती है। एरोबिक रिसेप्शन जाएगा तो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल और ETS होते हुए तब जाकर के ATP बनेगी। तो ये क्या होता है कि कॉमन प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में होता है, 10 स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस जो कंप्लीट होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर क्या होता है वो 10 स्टेप में होता है। इसके दो फेज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ग्लाइकोलिसिस के दो फेज होते हैं, टू फेज। नंबर वन पहले कहते हैं प्रीपरेटरी फेज या कभी कभी इसको इन्वेस्ट फेज कहते हैं, इन्वेस्ट फेज। दूसरे को क्या कहेंगे, पे ऑफ फेज या प्रोडक्टिव फेज। इसमें कुछ प्रोडक्शन होता है, इसके दो पार्ट, 10 स्टेप 2 फेज। फर्स्ट फेज को क्या कहेंगे, प्रिपरेटरी फेज या इन्वेस्ट फेज, यहां पे ATP इन्वेस्ट किया जाता है, तैयारी प्रिपरेशन होता है। सेकेंड फेज क्या होता है, प्रोडक्टिव फेज होता है या पे ऑफ फेज होता है, वहां पे कुछ मिलता है, यानी फर्स्ट फेज में इन्वेस्ट किया जाता है, कुछ लगाया जाता है, यानी ATP लगाई जाती है, और सेकेंड फेज में ग्लाइकोलिसिस से कुछ मिलता है, वो NADPH मिलेगा, ATP मिलेगी, और साथ ही साथ NADPH मिलेगा, ATP मिलेगी और पाइरुविक एसिड मिलेगा और H2O पानी भी मिलेगा। तो सेकेंड फेज में कुछ मिलता है और फर्स्ट फेज में कुछ लगाया जाता है, इसलिए फर्स्ट फेज को प्रीपरेटरी या इन्वेस्ट फेज कहते हैं और सेकेंड फेज को हम प्रोडक्टिव या पे ऑफ, कुछ मिलता है, पेमेंट कुछ होता है, ये फेज होता है। टू फेज होते हैं इसके, और ये कॉमन फेज होता है, हमने पहले आपको बता दिया। ऑक्सीडेशन इसमें होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन, और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का लॉस होता है, रिलीज होता है, छोड़ा जाता है, रिडक्शन में गेन होता है। ये दोनों में अंतर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा होगा यहाँ, ये आपको जानने की जरूरत है। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ये आपके कुछ कॉमन फैक्ट्स थे। नंबर सेकंड चीज हम देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस आपकी बुक्स में लिखा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मीन्स ऐसा केमिकल कंपाउंड जो रिस्पिरेशन में यूज होता हो, रिस्पिरेशन में जिसका यूटिलाइजेशन होता हो, जिसका मेटाबॉलिज्म होता हो। ये तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन एंड थर्ड फैट। ये थ्री जो हैं वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, तीनों होता है। हालांकि हमारे बुक्स में जो केवल कार्बोहाइड्रेट को दिखाया गया है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हम लोग देखते हैं, लेकिन प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म होता है, वो भी पाइरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल में जाएगी, और फैट का भी होता है। ये तीनों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, तीनों का मेटाबॉलिज्म होता है। हमारे बुक्स में केवल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज या सुक्रोज या फ्रक्टोज, तीनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। इसी का मेटाबॉलिज्म हम लोगों को पढ़ना है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और फैट का नहीं पढ़ना है। जबकि ये भी एक ध्यान देने की जरूरत है कि प्रोटीन और फैट इसका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स होता है। कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी अतिशीघ्र मिलती है, एटवंस एनर्जी मिलती है, लेकिन प्रोटीन और फैट्स में इसके मेटाबॉलिज्म में
कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम लगता है। बट सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है? फैट में होती है। फैट के मेटाबॉलिज्म में मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। बट कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म हमको पढ़ना है बुक्स में, इसमें एटवंस एनर्जी मिलती है, एफिशिएंट मिलती है। ये होता है रेस्पिरेटरी सब्सटेट। रेस्पिरेटरी सब्सटेट मींस रेस्पिरेशन में जिस सब्सटेंस का यूज किया जाए दैट इज रेस्पिरेटरी सब्सटेट। वो तीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज हम लोगों को पढ़ना होता है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। ये कुछ फैक्ट थे ग्लाइकोलिसिस के। दो चीजें और आपको बता दें। फर्स्ट है को एंजाइम। को एंजाइम क्या है? क्योंकि इसमें बहुत शब्द आएगा, को एंजाइम। को एंजाइम्स इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन प्रोटीनस होते हैं। बट दिस इज इनिशियल, यानी दिस इज नेसेसरी फॉर द इनिशियल ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए, एंजाइम के एक्शन के इनिशिएशन के लिए ये कंपाउंड्स जरूरी होते हैं, इसलिए इसको को एंजाइम्स कहते हैं। ये प्रोटीन नहीं है। को एंजाइम्स आर द केमिकल कंपाउंड्स विच आर नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स टू कैटलाइज द रिएक्शन। ये एंजाइम्स, जब तक को एंजाइम्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब तक को ये एंजाइम्स को एंजाइम से मिलेगा नहीं, अटैच नहीं होगा, एंजाइम्स वर्क नहीं करेगा। आप समझिए, इसका रहना एंजाइम के साथ आवश्यक है, इसलिए इसको को एंजाइम कहते हैं। आप एंजाइम्स के चैप्टर में इसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे। को एंजाइम्स मीन्स दिस इज नॉन प्रोटीनस केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द इनिशिएशन एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, क्योंकि इनके बिना अटैच के एंजाइम्स वर्क नहीं करेगा। ये जब जाएगा एंजाइम्स अटैच हो जाएगा तो वर्क करेगा, इसे इसको को एंजाइम कहते हैं, एंजाइम नहीं कहेंगे को एंजाइम, क्योंकि ये प्रोटीन है नहीं। को एंजाइम्स का यूज ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल और ईटीएस साइकिल में, ईटीएस चेन में बराबर आएगा। को एंजाइम्स के बारे में आई होप आप क्लियर हो गया होगा। को एंजाइम कौन कौन से हैं जो काम में आते हैं उसको जरा सा ध्यान दीजिए। एक होता है एनएडी, एनएडी, और ये होता है एनएडीएच। एनएडी जब रिड्यूस होगा तो एनएडीएच होगा, और एनएडीएच जब ऑक्सीडाइज होगा तो एनएडी में ट्रांसफर हो जाएगा। एनएडी जब रिड्यूस होगा, एनएडीएच, एनएडी मींस निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एडिनिन यन का मतलब क्या है? निकोटिनामाइड यन का मतलब क्या है? निकोटिनामाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और एनएडीएच के क्या मतलब है? निकोटिनामाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, हाइड्रोजन। ये को एंजाइम है एनएडी। जब ये रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगा, तो एनएडीएच चेंज हो जाएगा, उसमें हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या मतलब है? गेन हो रहा, हाइड्रोजन गेन हो गया। जब एनएडीएच हाइड्रोजन ले लिया तो एनएडीएच में चेंज हो गया। अब ये ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब हाइड्रोजन अब लॉस हो रहा है। जब इसका लॉस होगा तो एनएडी हो जाएगा। ये एनएडी और एनएडीएच, एनएडी रिडक्शन जब होगा तो एनएडीएच हो जाएगा, एनएडीएच ऑक्सीडाइज होगा तो एनएडी हो जाएगा। एनएडी और एनएडीएच एक्सचेंज होते रहेंगे ड्यू टू रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये अक्सर हमारे उसमें आएगा, पहला। दूसरा एनएडीपी और एनएटीपीएच। देखिए एरो बन गया ना, एनएडीपी निकोटिनामाइन एडिनिन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एनएडीपी। फुल फॉर्म इसका भी देख लीजिए आप। एनएडीपी कोएंजाइम्स, निकोटिनामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जब रिड्यूस होगा तो निकोटिनामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, हाइड्रोजन। जब ये ऑक्सीजन गेन करेगा तो रिड्यूस हुआ, जब ऑक्सीजन, सॉरी, जब हाइड्रोजन गेन करेगा
तो रिड्यूस हो गया, NADH हो गया, जब ऑक्सीडाइज होगा तो लॉस करेगा तो NADP हो जाएगा, एक दूसरे को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के माध्यम से एक्सचेंज होते रहेंगे, ये शब्द बराबर आएगा, कभी NADP NADPH में चेंज हो जाएगा, कभी NADPH NADP में चेंज हो जाएगा। तीसरा FADH2, ये भी उसी तरह से है, FAD, F का मतलब फ्लेबिन, F का मतलब क्या होगा, फ्लेबिन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये हाइड्रोनियस में जुड़ जाएगा, तो FAD जब रिड्यूस होगा तो FADH2 में चेंज होगा, FADH2 जब ऑक्सीडाइज होगा तो FAD में चेंज होगा, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहेंगे, जब रिडक्शन होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो रिड्यूस हो जाएगा, यानी ये रिड्यूस फॉर्म है, NADH रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADP, NADPH रिड्यूस फॉर्म NADP और FADH रिड्यूस फॉर्म ऑफ FAD। एक चीज और इसमें देख लीजिए, अब चौथा FMN इज FMNH2, FMN फ्लेबिन मोनोन्यूक्लियोटाइड जब रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन जब पाएगा तो FMNH2 यानी फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फोनो FMNH2 FMN यानी न्यूक्लियोटाइड फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ये चार चीजें आपको बराबर याद आएंगी, बेसिक चीज है ग्लाइकोलिसिस यानी रिफ्रेशन पढ़ने से पहले को एंजाइम्स, ये चार जो को एंजाइम्स आते हैं जो एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता रहता है, ये बड़ा मस्ट है, ये आपको ग्लाइकोलिसिस में मिलेगा, क्रेब्स साइकिल में भी मिलेगा, ETS में भी मिलेगा, एक बार फिर इसको देख लें, जब तक ये नहीं क्लियर रहेगा आप पढ़ने में कंफ्यूज करते रहेंगे। NAD NADH NADP NADPH FAD FADH2 FMN FMNH2 ये कोएंजाइम्स चार है, इस चारों के फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, एक दूसरे से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के रूप में चेंज होते रहेंगे, दिस इज द कोएंजाइम। दो चीजें आपको बताई गई, रेस्पिरेटरी सबस्टेट एंड को एंजाइम, से चारों बराबर आते रहेंगे आपको, ये ध्यान रखना है, ये बेसिक चीज थी, हो सकता है कि आपको मालूम हो सकता है ना मालूम हो तो मालूम हो गई, क्योंकि इसके बिना दिक्कत हो जाएगी आपको। और ये 7-8 आपके फैक्ट थे जो ग्लाइकोलिसिस के थे। अब हम लोग आते हैं ग्लाइकोलिसिस का जो मेन स्टेप्स है, देख ग्लाइकोलिसिस पाइरुवेट, अब ये पूरा प्रोसेस हो गया, पाइरुवेट का होता है, अब जब ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, स्टाइल को एंजाइम में बनेगा, आगे हम लोग उसको देखेंगे, माइटोकांड्रियम होगा, इसको आगे हम लोग देखेंगे। अब ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो ये एथेनॉल या लैक्टिक एसिड हो जाएगा, लेकिन पाइरुवेट तक तो दोनों सेम है, वो चाहे एनएरोबिक हो चाहे एरोबिक हो, पाइरुवेट सेम है, इसी को इसको क्या कहते हैं, फोर्क, पाइरुवेट इज द फोर्क इन द मेटाबॉलिक रोड, ये टर्निंग पॉइंट है, फोर्क है पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, यहीं से टर्न होगा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ये डिपेंड करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, यदि ऑक्सीजन अब्सेंट है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, यानी फर्मेंटेशन होगा इसका, ये आपका एक टर्निंग पॉइंट है, ये समझ में आ गई। अब आगे इसको हम लोग एरोबिक में जाएगा तो पढ़ेंगे, एरोबिक के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया, पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होता है, पाइरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ओ2,
इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इन लिविंग सेल्स ऑर्गेनिज्म, साइटोप्लाज्म मींस साइटोसॉल। ये थ्योरी हम लोग जरा देख लें इसको। देन इसको एक चीज और हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ईएमपी पाथवे। आप ग्लाइकोलिसिस कहिए या ईएमपी, ई क्या है, एम क्या है, पी क्या है, ये तीन वैज्ञानिक थे। तीनों वैज्ञानिकों के नाम का जो पहला अक्षर था उसी से इसको ईएमपी पाथवे कर दिया गया। ई मीन्स क्या है, इम्बेडन, इम्बेडन एक वैज्ञानिक थे, और एम का मतलब होगा मायर ऑफ, ओटो मेयर ऑफ एक वैज्ञानिक थे, और जेपी प्रॉन्स एक वैज्ञानिक थे। तो इनका फर्स्ट नेम ले लिया गया पी, इनका ई ले लिया गया, इनका एम ले लिया गया, इसलिए इसको ई एम पी तीनों वैज्ञानिकों के प्रथम नाम को लगाते हुए ई एम पी कहा गया, इम्बेडेड मेयर ऑफ, मेयर ऑफ और प्रॉन्स, इसलिए ई एम पी पाथवे भी कहते हैं। चाहे ग्लाइकोलिसिस कहिए, चाहे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कहिए, चाहे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहिए, या ईएमपी पाथवे कहिए। ओके, क्लियर। इट इज एनरोब्स, इट इज द ओनली प्रोसेस इन द रिस्पिरेशन। ये चीज की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये टर्निंग पॉइंट है। फोर्क जिसको हम लोग बताया, ये हो गया। आप ये तीनों वैज्ञानिक फोटो है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने महान काम इन्होंने किया, ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी किया। कौन कौन से वैज्ञानिक थे आपके, गस्टव इम्बेडन थे, जैकब प्रॉम्स थे, और मेयर ऑफ थे। आगे चलें, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेसिस जब होती थी, आपके बुक्स में इसका जिक्र है, फोटोसिंथेसिस में सुक्रोज बनता है, स्टार्च, और सुक्रोज फोटोसिंथेसिस जब बनेगा तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होगा। एंजाइम्स कौन सा है, इन्वर्टेज, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होगा, फिर इसकी ग्लाइकोलिसिस होगी। यानी फोटोसिंथेसिस में सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है, शुगर, सुक्रोज हो या फ्रक्टोज हो, सबके ग्लाइकोलिसिस के रास्ते एक ही हैं। सुक्रोज अगर है तो सबसे पहले ये ग्लूकोज में चेंज होगा, या फ्रक्टोज है तो भी ग्लूकोज में चेंज होगा है। तो इसमें एंजाइम्स कौन का काम करता है, इन्वर्टेज। इन प्लांट्स ग्लूकोज इज डेराइव फ्रॉम सुक्रोज, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज इज द कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एन एंजाइम इन्वर्टेज, तब ये जो है वो आपके ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जाता है। फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है वो सुक्रोज होता है। फोटोसिंथेसिस क्या करती है, भोजन बनाती है, और रिस्पिरेशन क्या करती है, उस भोजन को तोड़ती है। दोनों के अपोजिट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में सुक्रोज बनेगा, सुक्रोज ग्लाइकोलिसिस आने से पहले ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलेगा, सुक्रोज चेंज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस सेम हो जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड चर्चा थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, हेक्सोकाइनेस एंजाइम से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगा, और 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा। यानी यहां क्या होगा, फास्फोराइलेशन होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फास्फोराइलेशन होता है, और सेकंड में क्या होता है, आइसोमेराज, आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमेराइजेशन होता है, इसको आइसोमर कहते हैं, आइसोमेरिज्म। यानी इसका क्या होगा, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन क्या है, फास्फोराइलेशन मींस फास्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। फास्फोराइलाइज हमेशा फास्फोराइलेशन होगा, फास्फोराइलेशन मींस फास्फेट ग्रुप ऐड होता है। और आइसोमेरिज मींस, आइसोमर का आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, कि केमिकल फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला इज डिफरेंट, दैट इज आइसोमर। ये क्या है, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर है। केमिकल फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ डिफरेंट है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। आइसोमर्स, आइसोमर उसे कहते हैं जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता है, यहाँ पर फास्फोराइलेशन होता है, यहाँ फास्फेट ग्रुप का एडिशन होगा, देन ये बनेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट का आइसोमेराइज क्या होगा, आइसोमेराइजेशन होगा, यहाँ फास्फोराइलेशन हो रहा है, यहाँ आइसोमेराइजेशन हो रहा है, तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन रहा है। ये स्टेप थे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फास्फोराइलेटेड इंटू ग्लूकोज 6 फास्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, प्रोडक्ट फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है। सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम, इसके बाद सेम हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म, इसके बाद सेम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक स्टेप था ग्लाइकोलिसिस में, हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप पे आते हैं कि वो 10 स्टेप्स एंड 2 फेज। पहले हमने बता दिया था कि ग्लाइकोलिसिस जो है 10 स्टेप होती है और 2 फेज होती है। 2 फेज में फर्स्ट फेज को क्या कहेंगे, फर्स्ट फेज को क्या कहेंगे, प्रिपरेटरी फेज या इन्वेस्ट फेज। सेकेंड फेज को क्या कहेंगे, प्रोडक्टिव फेज या पे ऑफ फेज, यानी सेकेंड फेज में कुछ बनता है, कुछ मिलता है, और फर्स्ट फेज में ग्लाइकोलिसिस के इन्वेस्ट किया जाता है और 10 स्टेप में पूरा होता है। अब हम फाइनली आते हैं कि वो 10 स्टेप कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, ध्यान से समझिएगा इसको। फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज है हमारे पास, यहाँ सुक्रोज अगर है फोटोसिंथेसिस का तो वो फिर ग्लूकोज में चेंज होगा। उसका चेंज कैसे होता है, हेक्सोकाइनेज के माध्यम से, इसकी चर्चा हो गई। ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होगा। इसका क्या हो रहा है, फास्फोराइलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसको फास्फोराइलेशन हो रहा है इसका, यानी फास्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है फर्स्ट स्टेप में। इसको क्या कहेंगे, फास्फोराइलेशन। और एंजाइम इसमें कौन सा काम करता है, हेक्सोकाइनेज, यहां नहीं लिखा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करेगा। ग्लूकोज ये 6 कार्बन C6H12O6, ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका फास्फोराइलेशन हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदला। अब देखिए यहां पे एक ATP कंज्यूम हो रही है, यहां पर ATP एक लगेगी तब तो फास्फोराइलेशन होगा। ATP एक ATP यहां यूज होती है, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेप ऐसा स्टेप है जहां पे फर्स्ट ATP जनरेशन हो रहा है, फर्स्ट ATP कंज्यूम हो रहा है, इसको फर्स्ट फास्फोराइलेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट फास्फोराइलेशन, यहां फर्स्ट ATP यूज हो रही है, एंजाइम हेक्सोकाइनेज। देखिए हर स्टेप को ध्यान से समझिए और इस एंजाइम्स कौन से यूज हो रहा है उसको ध्यान लगाइए, फिर समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो रहा है, एंजाइम हेक्सोकाइनेज है, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट फास्फोराइलेशन कहेंगे। इसमें एक ATP यूज हो रही है, बन क्या रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदलता है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आइसोमेराइजेशन हो रहा है, आइसोमर है, पिछली बार हम अभी जस्ट चर्चा हो गई ना, फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन के बाद आइसोमेराइजेशन इसको बोलते हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर है, ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट के आइसोमर है। अभी देखिए 6 कार्बन यहां भी, 6 कार्बन यहां भी है, अभी कार्बन सेम है, ये आइसोमर है, मतलब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट के केमिकल फार्मूला एक है, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर है, इसलिए प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यहां क्या हो गया, आइसोमेराइजेशन, इसको क्या कहेंगे, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। एंजाइम्स कौन सा यहां यूज होगा, ध्यान से देखिए, फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज, फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज, फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज, ये एंजाइम यहां काम करेगा। देखिए हर स्टेप पे कौन सा एंजाइम और वो कौन सा प्रोसेस है,
ये ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट प्रोसेस क्या था? फर्स्ट फास्फोराइलेशन, जिसमें फास्फेट ग्रुप का एडिशन होगा, एटीपी यूज होगी, और इसको क्या एंजाइम कौन सा काम करेगा? हेक्सोकाइनेज। सेकेंड स्टेप क्या है? आइसोमेराइजेशन। इसमें एंजाइम कौन सा हो रहा यूज हो रहा? फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज। इसको क्या कहेंगे? आइसोमेराइजेशन हो रहा। अब क्या बना? फ्रक्टोज सिस्ट फास्फेट। तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप क्या हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप चलिए, तीसरे स्टेप में फास्फो फ्रक्टो काइनेज, फास्फो फ्रक्टो काइनेज यहां एंजाइम होगा, फास्फो फास्फो फ्रक्टो काइनेज। काइनेज मींस जहां पे ये काइनेज, अब यहां पे भी एक एटीपी लग रहा है, इसको कहेंगे सेकेंड फास्फोराइलेशन। यहां क्या हो रहा है? सेकेंड फास्फोराइलेशन या सेकेंड फास्फोराइलेशन होगा। दो स्टेप है, फर्स्ट एंड थर्ड, जहां पे एटीपी यूज हो रही है। अब ये जो है फर्स्ट और थर्ड, ये क्या है? ये प्रिपरेटरी फेज है। हमने कहा था ना कि ग्लाइकोलिसिस टू फेज में है, प्रिपरेटरी फेज और प्रोडक्टिव फेज या पे ऑफ फेज। ये प्रिपरेटरी फेज या इन्वेस्ट फेज, यहां पे देखिए एक एटीपी यहां लगी फर्स्ट स्टेप पे और एक एटीपी थर्ड स्टेप पे लगी। फर्स्ट और थर्ड स्टेप आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे एटीपी कंज्यूम हो रही है, एटीपी इन्वेस्ट हो रही है। क्वेश्चन यहां से ज्यादा बनेंगे, एटीपी जहां कंज्यूम हो रही है, जहां इन्वेस्ट हो रही है। और प्रोसेस तीसरा स्टेप को क्या कहेंगे? ये तीसरा स्टेप प्रोसेस क्या है? इसमें कौन सा है? फास्फोफ्रक्टो काइनेज एंजाइम हुआ, फ्रक्टोज 16 बाई फास्फेट। अभी भी ये प्रोडक्ट बना, फ्रक्टोज 16 बाई फास्फेट प्रोडक्ट बना। अभी भी 6 कार्बन है, कार्बन अभी वही है, ग्लूकोज जो सला अभी कार्बन कोई चेंज नहीं हो रही है। अब इसमें थर्ड स्टेप में इस टाइम एंजाइम कौन सा है? फास्फोफ्रक्टो काइनेज। ये हमारा फर्स्ट फेज पूरा हो गया, फर्स्ट फेज प्रिपरेटरी फेज या थ्री स्टेप्स, फर्स्ट फेज थ्री स्टेप्स इन द ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। वहीं पे ये थ्योरी भी वही लिखी गई है। आप फिगर से चले, आप एक बार फिर रिपीट करते हैं, एक फेज पूरा हो गया, सेकंड पे चलते हैं। ध्यान से इसको समझिए, अगर टाइम भले लग जाए, थोड़ा सा जटिल होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट, इसमें क्या हुआ? फर्स्ट फास्फोराइलेशन हुआ, हेक्सोकाइनेज एंजाइम आया, एक एटीपी यूज हुई, ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया। फर्स्ट फास्फोराइलेशन एंजाइम एक हेक्सोकाइनेज, 1 एटीपी यूज हुई, इन्वेस्ट हुई, प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट एंजाइम कौन सा है दूसरे पे? फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज। यहां आइसोमेराइजेशन हो रहा, आइसोमेरेज हो रहा है। इसीलिए देखिए एंजाइम्स को बैठा के समझने की कोशिश कीजिए, पहले समझिए फिर याद कीजिए। बिना समझे याद करेंगे तो भूल जाएगा, याद तो करना पड़ेगा, बट उसको समझ के याद कीजिए तो अस्थाई रहेगा। एंजाइम्स कौन सा है? यहाँ आइसोमेराइजेशन हो रहा है, इसलिए आइसोमेरेज एंजाइम लग गया, यहाँ हेक्सोकाइनेज लग गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? इसको सेकेंड स्टेप फास्फो, सेकेंड स्टेप फास्फो फ्रक्टो काइनेज एंजाइम्स आ गया। अब बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट यहां पे सेकेंड फास्फोराइलेशन होगा, और यहां एंजाइम कौन सा होगा थर्ड फेज में? याद हो गया होगा थर्ड फेज का एंजाइम क्या है? फास्फो फ्रक्टो काइनेज। अब 16 डाई फास्फेट बनेगा, एटीपी यूज यहां होगी, यानी फर्स्ट एटीपी फर्स्ट स्टेप में लगी और थर्ड एटीपी थर्ड पे लगी। यहां फर्स्ट फास्फोराइलेशन हुआ, यहां सेकंड फास्फोराइलेशन हुआ। अब फर्स्ट आपका फ्रुक्टोज 16 डाई फास्फेट थ्री स्टेप में पूरा हो गया, यानी फर्स्ट फेज थ्री स्टेप यहां कंप्लीट हो गई। दो तीन बार इसको रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, फोर स्टेप फ्रक्टोज 16 बाई फास्फेट। अब यहां क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी, इसका स्प्लिटिंग होगी,
यानी क्लीवेज जिसको कहते हैं, फोर स्टेप में क्लीवेज होगी। यहां एंजाइम कौन सा काम करेगा? एल्डोलेज, एल्डोलेज, सॉरी एल्डोलेज, ये एंजाइम काम करेगा। इसको क्या कहेंगे? क्लीवेज, सी एल ई ए वी ए जी ई। अब ये कंपाउंड जो है दो पार्ट में चेंज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा। ये क्या हुआ चौथे में? एल्डोलेज एंजाइम क्लीवेज, दो पार्ट हो गए, पी जी ए एल डी एच ए पी। अब दोनों में देखिए, अब कार्बन की संख्या दोनों कंपाउंड में अलग हाफ हाफ हो गई, थ्री सी हो गई, थ्री सी हो गई। दो कंपाउंड बने, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, पी जी ए एल, और पी जी एल को क्या कहेंगे? पी जी एल को क्या कहेंगे? डी एच ए पी, शॉर्ट फॉर्म है डी एच ए पी एंड पी जी ए एल। पी जी एल फ्रक्टोज वन डाई फॉस्फेट इज स्प्लिट इंटू डी हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, डी हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, डी एच ए पी, डी हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, थ्री सी, थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, इसको कहेंगे डी एच ए पी। और दूसरे को कहा कहेंगे थ्री फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड, थ्री फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड, थ्री थ्री कार्बन का हो गया, पी जी ए एल डी एच ए पी, क्लीवेज हुआ, एंजाइम्स एल्डोलेज, फोर स्टेप क्लियर हो गया। अब आ जाइए स्टेप फाइव, फाइव स्टेप यही है, यही हो रहा है। अब एक कंपाउंड आ रहा है इधर, बन गए दो, एक कंपाउंड इधर आ रहा है, ध्यान समझिएगा, सिक्स, सिक्स स्टेप बड़े ध्यान से समझिएगा। फिफ्थ, फिफ्थ अब जा रहा है सिक्स में, फिफ्थ स्टेप में कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? आइसोमेरेज, यहां पे आइसोमेरेज काम करेगा फिफ्थ पे, आइसोमेरेज। क्या बनाएगा यहां, क्या बनाएगा यहां? डी एच ए पी। अब सिक्स स्टेप देखिए, फिफ्थ हो गया आइसोमेरेज एंजाइम, सिक्स देखिए, अब सिक्स में जा रहा है, सिक्स स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि यहां एन ए डी का क्या हो रहा है? रिडक्शन, एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है यहां से। अब वो हाइड्रोजन रिलीज होगा तो कोई पकड़ने वाला चाहिए हाइड्रोजन को, कौन पकड़ेगा? कोई एंजाइम, अभी हमने जो चर्चा किया एनएडी, एनएडी जब हाइड्रोजन गेन करेगा तो एनएडीएच में चेंज हुआ, बेसिक की जो हमने बताया था एनएडी। अब यहां एनएडी के बारे में ज्यादा नहीं बताना है, ये हाइड्रोजन को गेन किया, एनएडीएच एक रिलीज हो गया यहां, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप सिक्स, एनएडीएच यहां बन रहा है। अब यहां टू एनएडीएच बनेगा, टू एनएडीएच बनेगा, अब हो गया सिक्स स्टेप। अब सिक्स स्टेप सेवन में जा रहा है, सेवन स्टेप में कौन सा एंजाइम काम करेगा? सेवन स्टेप में फास्फो फ्रक्टो काइनेज फिर काम करेगा, सेवन में फास्फो फ्रक्टो, यहां पे सिक्स में आइसोमेरेज काम किया, सिक्स स्टेप में कौन सा काम किया? ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेट, टी पी डी एंजाइम यहां काम कर रहा है, टी पी डी, ट्रायोज फास्फोट, कौन सा? ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। सिक्स स्टेप आपको जरूर याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एनएडीएच फॉर्म हो रहा है, ओके, सिक्स स्टेप। स्टेप सेवन आइए, अब यहां क्या बन गया कंपाउंड, क्या बन गया? बी पी जी ए, यानी 1,3 बाई फास्फो ग्लिसरेट, ये टू मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया बी पी जी ए, शॉर्ट में लिख दिया गया है, थोड़ा याद करने में आसानी होगी। अब इसका फुल फॉर्म कर लीजिएगा, बी पी जी ए का क्या मतलब है? 1,3 डाई फास्फो बाई फास्फो ग्लिसरेट, बाई फास्फो ग्लिसरेट, ये थोड़ा सा कंपाउंड है। अब आ गया सेवन स्टेप, आपको सिक्स स्टेप याद करने की जरूरत है, किसमें? प्रोडक्टिव फेज में, फर्स्ट फेज में कौन सा था? वन और थ्री, जहां पे एटीपी कंज्यूम हो रही थी, यहां पे कौन सा है? सिक्स, क्यों? क्योंकि एनएडीएच यहां बन रहा है,
सेवन स्टेप में यहाँ पे पीजी बीपीजीए कहाँ जाएगा, सेवन स्टेप में क्या बनाएगा, पीजीए फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाएगा, टू मॉलिक्यूल्स थ्री कार्बन कंटेनिंग। यहाँ पे भी, यहाँ पे इसलिए याद करना जरूरी है, यहाँ पे एक एटीपी बन रही है सेवन, इसलिए इसको कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेवन स्टेप। फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन इसलिए आपको याद करना जरूरी है, पहला एटीपी यहां बन रहा है, इसलिए इसको सेवन स्टेप को क्या कहेंगे, फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन। ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेज यहां है, इसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेज सिक्स वाले को। सेवन को याद करना है क्योंकि यहां पे सेवन में एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, सेवन है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, सेवन में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। वही चीज लिखी है थ्योरी में, भी वही चीज लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप एट, एट स्टेप को क्या कहेंगे, स्टेप एट को आइसोमेराइजेशन यहां फिर होगा, यहां फिर आइसोमेराइजेशन यहां फिर होगा, इसको आइसोमेराइजेशन कहेंगे। एट स्टेप को क्या कहेंगे, आइसोमेराइजेशन एंजाइम कौन सा यूज होगा है, फॉस्फोग्लिसरोमुटेज पीजीएम फॉस्फोग्लिसरोमुटेज एंजाइम काम करेगा यहां पे, किसमें, स्टेप सिक्स में आइसोमेराइजेशन होगा। अब आइसोमेराइजेशन होने के बाद क्या होगा, H2O रिलीज होगी, क्या बनेगा, वन टू टू मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट, ये 3C कार्बन कंपाउंड है। एट स्टेप समझ में गए आप, आइसोमेराइजेशन हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमेराइजेशन के बारे में ज्यादा नहीं बताना, आइसोमेराइजेशन मीन्स दीज टू कंपाउंड्स आर फार्मूला जिसका सेम है बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट एंड प्रॉपर्टी डिफरेंट। नाइन स्टेप को क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन। नाइन स्टेप को क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर यहां पे रिलीज हो रहा है, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजिनेज। देखिए ये जहां पे एनएडीपी बनी थी यहां, इसको क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, उसको कहेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, और जहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन रहा है वहां पर डिहाइड्रेशन। इसी शब्द से याद कीजिए, H2O मीन्स डिहाइड हो रहा है, डिहाइड्रेटेड हो रहा है, डिहाइड्रेशन। एंजाइम यहां से कौन सा काम करेगा, किस स्टेप पे, नाइन स्टेप से एंजाइम कौन है, इनोलेज। इसको क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन। नाइन स्टेप डिहाइड्रेशन, एंजाइम्स इनोलेज। टेन स्टेप एंड लास्ट, यहां पे भी क्या बनेगा, टेन स्टेप भी, लास्ट स्टेप भी बहुत जरूरी है, फॉस्फोपाइरुवेट काइनेज एंजाइम यहां काम करेगा टेन स्टेप में, और यहां पे भी एटीपी बनेगी। लास्ट में क्या बनेगा, टू का पाइरुविक एसिड थ्री। यहां पे क्या बनेगा, नाइन स्टेप में क्या बनेगा, पीईपी फॉस्फोपिनाल पाइरुवेट। नाइन स्टेप से क्या बना, इनोलेज एंजाइम से फॉस्फोपिनाल पाइरुवेट। देखिए शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा गया आपको आरंभ करने में आसानी होगी, पीईपी फॉस्फोपिनाल पाइरुवेट। डिहाइड्रेशन हुआ, इनोलेज एंजाइम काम किया। टेन स्टेप में क्या हुआ, यहां पे भी थर्ड फास्फोराइलेशन हो रहा है। तीसरी बार यहां सेकेंड एटीपी जनरेशन हो रहा है, एटीपी बन रही है, और लास्ट में कंपाउंड कौन सा बन रहा है, फास्फोपाइरुवेट काइनेज एंजाइम काम कर रहा है, और अल्टीमेटली फास्ट क्या गया, पाइरुविक एसिड बन गया, टू मॉलिक्यूल्स जो थ्री कार्बन कंपाउंड है। हम चले कहां से थे,
ग्लूकोज से चले थे, ग्लूकोज क्या था, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था। हम पहुंचे कहाँ, पायरूबिक एसिड पे। पायरूबिक एसिड क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग था। 3 कार्बन कहाँ गए, कोई कहीं CO2 भी नहीं बनी, केवल H2O यहाँ बना है, बस CO2 कहीं नहीं बनी रास्ते में। इसका मतलब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में। यह सिद्ध करता है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये हमारे हो गए 10 steps and 2 phases। हर स्टेप पे ध्यान रखना है क्या बन रहा है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, और उसमें कौन सा एंजाइम काम कर रहा है। इसको एक बार समराइज करके हम देखते हैं, एक साथ अगर देखेंगे तो बहुत आसानी से हम इसको याद कर लेंगे। ग्लूकोज 6-फास्फेट नंबर 1, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ATP यूज हुआ, कंपाउंड क्या बना, ग्लूकोज 6-फास्फेट। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, फर्स्ट फास्फोराइलेशन। क्यों, क्योंकि फास्फेट ग्रुप यहां पे एडिशन हो रहा है। अब सेकेंड स्टेप में देखिए, ग्लूकोज 6-फास्फेट किसमें बना, फ्रक्टोज 6-फास्फेट। एंजाइम कौन सा काम किया, फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज। इसको इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसोमेराइजेशन। ये प्रोसेस क्या है, आइसोमेराइजेशन। अब थर्ड स्टेप क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 6-फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बाइफास्फेट बना रहा है। एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, फास्फो फ्रक्टोकाइनेज। यहां पे भी एक ATPA की यूज हो रही है थर्ड स्टेप में भी, यानी फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ATP इज यूज्ड एंड थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ATP इज ऑल्सो यूज्ड। यहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप को आपको याद रखना जरूरी है। अगर पूरे प्रोसेस को नहीं याद कर सकते हैं तो फर्स्ट और थर्ड इसलिए याद रखना जरूरी है कि यहां पे ATP यूज हो रही है, इन्वेस्ट हो रहा है। 1 और 3 स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरे फेज में जा रहे हैं, पे ऑफ फेज या प्रोडक्टिव फेज। 4 से क्या होता है, नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है। 1, 2, 3 तक फर्स्ट फेज है, कि 4th स्टेप पे जो है वो क्लीवेज होता है, क्लीवेज स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग जब होगी तो 2 कंपाउंड्स बनेंगे, फर्स्ट बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट एंड सेकेंड बनेगा डिहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट, जिसको DHAP बोलते हैं, उसको G3P बोलते हैं, और इसमें एंजाइम कौन सा लगा रहा है, एल्डोलेस। अब ये 2 कंपाउंड्स हो गए और ये 3C कार्बन हो गया, यहाँ पे 3C हो गया, यहाँ पे 3C होगा, 3C कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए। चले कहाँ से हम, 6C से चले थे, ये आपका ग्लूकोज 6C था, 6C से चले थे, इधर देखिए 6C से चले थे, अब हम कहाँ गए, इस पे आ जाए, 3C पे आ गए। अब क्या होता है, एलोलेज एग्जाम के बाद आइसोमेरेज होगा, 5th स्टेप पे आइसोमेरेज होगा। आइसोमेरेज में क्या होगा, आइसोमेरेज में 1 कंपाउंड जाएगा आइसोमेरेज में, ये इसका आइसोमेरेज होगा, ये आइसोमेरेज है, एक दूसरे के आइसोमेराइजेशन हो रहा है। 6th स्टेप में देखिए, 6th स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग रहा है यहाँ पे NADH बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहा है, इसको डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। 6th स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 2 NADH यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, हाइड्रोजन रिलीज होगा, 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा, 2 हाइड्रोजन रिलीज को कैच करने के लिए NAD मैंने बताया, NAD जब कैच करेगा, गेन करेगा, तो NADH चेंज हो गया, तो 2 NADH यहाँ बन गया। 6th स्टेप पे हार्मोन कौन सा है, ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज से ही हो रहा है कि डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज मीन्स हाइड्रोजन एड हो रहा है।
Sixth step, also an important. Sixth step is also important. Now, seven step to 1-3 phosphate kis rate? Seven step में कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? फास्फोग्लिसरोकाइनेज. यहां पे एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है. एटीपी फॉर्मेशन, फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन यहां हो गया. फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन यहां, टू एडीपी हाइड्रोजन यहां पे फास्फेट ग्रुप एड होगा, टू एटीपी बनेगा यहां पे. सेवन स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां टू एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है. फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन फेज सेवन. एट्थ में देखेंगे, एट्थ में क्या होगा? फास्फोग्लिसरेट टू फास्फोग्लिसरेट में बदलेगा, थ्री फास्फोग्लिसरेट टू फास्फोग्लिसरेट में बनेगा, बदलेगा और फास्फोग्लिसरोमुटेज एंजाइम यहां काम करेगा एट्थ स्टेप पे. नाइन स्टेप इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि टू फास्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोफिनॉल पाइरुवेट बनाएगा, यहां पे हाइड्रोजन रिलीज होगा. और ये फास्फोफिनॉल पाइरोट को पीईपी बोलते हैं. पीईपी हम लोगों ने कई जगह फोटोसिंथेसिस में देखा है, डार्क रिएक्शन में. फास्फोफिनॉल पाइरुवेट यही है जो आपके डार्क रिएक्शन में C3C4 साइकिल में क्या करता था, ये एक्सेप्टर का काम करता था. नाउ लास्ट स्टेप, 10 स्टेप इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे भी 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है. ADP यहां पे फास्फेट ग्रुप रिलीज होगा, ATP से जुड़ेगा, ATP 2 ATP बनेगा. यहां पे एंजाइम कौन सा है? पाइरुवेट काइनेज. और फिर फाइनल क्या बनेगा? पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल यहां बन जाएंगे. ये 10 स्टेप हैं, जिसमें से फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ATP फास्फोराइलेशन हो रहा है, ATP यहां पे यूज हो रहा है. 6 NADP बन रहा है, उसके बाद 7 एंड 10th आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे ATP जनरेट हो रहा है. ये कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप तो याद रखना चाहिए, जहां पे ATP यूज हो रहा है, या ATP जनरेट हो रही है, या NADPH बन रहा है. ये 5 स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स्थ जहां NADPH बन रहा है, 7th एंड 10th जहां पे ATP जनरेट हो रहा है, ये स्टेप तो याद होना चाहिए. और इस तरह से देखेंगे सेम वही है, यहां पे 6 कार्बन था, यहां पे जला, तो ये आपको क्लीवेज जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि यहां पे अब स्प्लिटिंग हो रही है, 3C कार्बन हो रहे हैं दोनों में, हाफ हाफ हो गया. अब लास्ट में 3C कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सभी बनेंगे. पाइरुवेट इज आल्सो 3C कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. ये फाइनली आपका वही रिएक्शन है, वही चीज है. ये कार्बन इसमें दिखाया गया है, 2 pyruvic acid and 3 carbon कंटेनिंग कंपाउंड यहां बन गया. फाइनली अगर हम बैलेंस शीट निकालें, इसको अगर हम जोड़ेंगे, 2 ATP यहां बना, 2 ATP यहां बना, 4 ATP बने. फर्स्ट 4 ATP सिंथेसाइज हो गए, NADH, 2 NADH, 2 MADH बन गए, और पाइरुवेट 2 PGA, ये हमारे बने हैं. इसमें 4 ATP से में 2 यूज हो गए, ये केवल 2 ही ATP बचे. फाइनल बैलेंस शीट क्या है? अगर पूछता है कि नेट ग्रॉस प्रोड्यूस ATP कितने हैं, तो 4 होगा. अगर पूछता है नेट ग्रॉस गेन ATP कितना है, तो 2 होगा, क्योंकि बने तो 4 हैं. प्रोडक्शन कितना हुआ? 4 का, लेकिन गेन कितने का हुआ? 2 का. 2 यहां यूज हो गए ना, फर्स्ट और थर्ड पे 2 यूज हो गए. अब बन कहां रहा है देख लीजिए आप. फर्स्ट और थर्ड पे यूज हो रहा है, 2 ATP यूज हो गया. बन कहां रहा है? सेवंथ और टेंथ में 2-2 बन रहे हैं. और सिक्स्थ स्टेप पे क्या बन रहा है? 2 NADH और लास्ट में पाइरुवेट, यही तो बन रहा है ना. अब वही बन गया, 4 ATP बना, 2 ATP जो इसमें कंज्यूम हो गया, 2 ATP बचा यहां, 2 NADPH बना और 2 PGA बन गया. ये बैलेंस शीट है.
कितना बना पू एन ए डी, पू एन ए डी एच, क्या बना पू एन ए डी एच, फोर ए टी पी माइनस टू ए टी पी इट मीन्स टू ए टी पी एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड, ये हमारा बन रहा है। अगर इसको हम जोड़ेंगे ए टी पी में गुण निकालेंगे तो एन ए डी एच, एन ए डी एच में भी ये जो है वो सिक्स ए टी पी बन जाएगा, लेकिन ये अभी तो नहीं आ बना ना, अभी तो ये चेक फार्म में है, जब ई टी सी साइकिल में जाएगा तब बनेगा ए टी पी ना, अभी तो एन ए डी एच ही है ना। तो अगर उस तरह से निकालेंगे तो सिक्स ये हो गया, फोर ए टेन और टू खर्च हो गया तो ये हो गया एट ए टी पी। अगर ए टी पी निकालेंगे तो एट ए टी पी हो गया, और आई बिना निकाले निकालेंगे तो टू एन ए डी पी एच बन रहा है, टू पी जी ए बन रहा है, टू ए टी पी बन रही है, ये बैलेंस शीट हो गई। इसी तो ग्लाइकोलिसिस थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो याद करने की ज़रूरत है, कुछ स्टेप तो वेरी इंपॉर्टेंट याद ही करना पड़ेगा। आई होप कि आपका ग्लाइकोलिसिस क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट में एक चीज़ और आप देख लें, लास्ट में देखिए लैक्टिक एसिड एनएरोबिक में लैक्टिक एसिड पाइरूविक एसिड था ना, अब ये पाइरूविक एसिड एल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनेगा जब एनएरोबिक होगा। एनएरोबिक रिस्टोरेशन में क्या होगा, एनएरोबिक में पाइरूविक एसिड क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक एसिड बनेगा, इसमें टू एटीपी बनता, केवल ग्लाइकोलिसिस ही चलती है बस। एनएरोबिक में केवल ग्लाइकोलिसिस ही चलती है, फोर बनता है, टू खत्म हो गया, टू एटीपी ही बनती है, मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ एटीपी इन फॉर्म इन द एनएरोबिक। आई होप देखिए यह होगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, एल्कोहल एंड एरोबिक रिस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल। अब इस तरह से ये ग्लाइकोलिसिस थोड़ा सा लंबा है बट इम्पॉर्टेंट है, जो हमने बताया फैक्ट चार पांच पॉइंट्स, और जो कोएंजाइम्स और रेस्पिरेटरी सबस्टेट बताया इसको भी याद करने की ज़रूरत है। ग्लाइकोलिसिस की पूरी साइकिल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।